हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा कब बहुत ज़्यादा इजी है बनाना, विदाउट अवन बनाएंगे और बस 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून शुगर। 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। 1 पैकेट हम इनो डालेंगे, कोई सा भी फ्लेवर चल जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम 4 बोल मैदा। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और देखिए ऐसे हाथों की मुट्ठी में आनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें चाहिए, एकदम गीला गीला। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे मसलते रहेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसे ढक के रखेंगे 1/2 घंटे से 1 घंटे के लिए। अब सारा एयर बबल्स हम निकाल लेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल और मैदा लगाएंगे ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। अब जितना पार्ट हमें चाहिए उतना रखेंगे, बाकी का हम ढक के रखेंगे, बाद में यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक अप्पे मेकर लिया है, उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है। थोड़ा थोड़ा करके उसमें हम डो डालेंगे और ऊपर से डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। इसके रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर चेक करना। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पनीर डाल रही हूँ। ऊपर से डालेंगे हम वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने लिया है कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, बीन्स। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी वेजिटेबल चूज़ कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे, मैंने स्लाइस चीज़ डाला है, तोड़ के डालेंगे ऐसे। और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक डाला है, ये होममेड है। अप्पम मेकर आप इजीली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। अब गैस को हमें एकदम धीमा रखना है और इसे ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए बॉटम से एकदम क्रिस्पी हो गया है। ये पिज़्ज़ा कप्स बनाना जितना आसान है उतना ही ये टेस्टी बनने वाला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।